नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कंप्यूटर के वीडियो कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। ये यहाँ पर हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के कंप्लीट हो चुके हैं, बेसिक कंप्यूटर कंप्लीट होने वाला है और कंटिन्यू चलते रहे हैं। सीपीसीटी के भी चलते जा रहे हैं। कंटिन्यू मतलब जो हम वीडियो है वो बनाते जा रहे हैं। कंप्यूटर कोर्स भी चल रहा है साथ में और सीपीसीटी के भी चल रहे हैं और बाकी के कोर्स वाले कमिंग सून आने वाले हैं। आज हम जो कंप्लीट करने वाले हैं वो है दोस्तों सीपीसीटी का ओल्ड पेपर। हमने कुछ अलग तरीके से बनाया है कि वन क्वेश्चन वन लाइन आंसर और इसमें 25 या 30 ज़्यादा से ज़्यादा। क्या होता है, ज़्यादा बड़ा वीडियो होता है तो उसको देख भी नहीं पाते हैं, 5-10 मिनट का वीडियो हो तो उसको हम देख भी सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। एक पीसी पर्सनल कंप्यूटर की बूट प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करता है? बूटस्ट्रैप लोडर। अब ये बूटस्ट्रैप लोडर क्या होता है? बूट लोडर, पहले बूट लोडर को देखें। वैकल्पिक रूप से बूट स्ट्रैपिंग बूट लोडर या बूट प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। बूटस्ट्रैप लोडर मतलब इसकी बात हो रही है। बूटस्ट्रैप लोडर एक प्रोग्राम है, जब कंप्यूटर चालू होता है या फिर चालू होता है तो बूटस्ट्रैप लोडर सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, जिसे POST पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसे बूटस्ट्रैप लोडर कहा जाता है। सर्च इंजन एंड फाइल। सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स या रन विकल्प के माध्यम से CMD कमांड निष्पादित करने से लॉन्च होता है विंडोज कमांड प्रोसेसर। CMD क्या है? तो कमांड प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूटेबल नेम, मतलब चेंज नाम बदल के दिया हुआ है। CMD.exe एक्सटेंशन EXE, इसका उपयोग दर्ज आदेशों को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। इस कमांड सेल या CMD प्रॉम्प्ट के रूप में भी संदर्भित किया जाता है या फाइल नेम CMD.exe द्वारा भी जाना जाता है। विंडो कमांड प्रोसेसर एक सिस्टम प्रोग्राम जो एक कमांड लाइन से निर्देशों को स्वीकार करता है और उन्हें निष्पादित करता है, WCM कहा जाता है। विंडो कमांड प्रोसेसर। निर्दिष्ट कीजिए निम्नलिखित में से कथन सही है या गलत। हाइपरनेट शट डाउन विकल्प स्लिप विकल्प की तुलना में कम पावर का प्रयोग करता है। सही है। हाइपर जो नेट होता है, शट डाउन विकल्प स्लिप विकल्प की तुलना में कम पावर का प्रयोग करता है। तो सही है दोस्तों। जब आप लैपटॉप बंद करते हैं या उसका पावर बंद बटन दबाते हैं तो बहुत से लैपटॉप स्लिप मोड में चले जाते हैं। सही है। क्या होता है कि जब आप लैपटॉप को बंद करते हैं या उसका पावर बटन दबाते हैं तो बहुत से लैपटॉप स्लिप मोड में चले जाते हैं। एक बार नॉर्मली दबा के छोड़ देते हैं, प्रेस कर देते हैं तो वो नॉर्मली हमारे स्लिप मोड में चले जाते हैं। तो दोनों सही हैं। IPv4 एड्रेस की लंबाई बिट्स है जबकि IPv4 एड्रेस की लंबाई खालिस्तान बिट है। IPv4 की है दोस्तों 32 और IPv6 की है 128। IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, अंतों के बीच अंतर। IPv4 और IPv6 एक IP पता बाइनरी नंबर है, लेकिन इसे मानक पाठकों के लिए पाठक के रूप में संग्रहित किया जाता है। उदाहरण के लिए 32 बिट संख्यात्मक पता IPv4 दशमलव डेसिमल से 4 संख्या द्वारा अलग अलग संख्याओं के रूप में लिखा जाता है और IPv6 पते 128 बिट IP पते हेक्साडेसिमल में लिखे गए और कॉलन द्वारा अलग किए गए हैं। तो IPv4 जो होता है वो 32 होता है और IPv6 होता है 128 इसकी पीठ होते हैं। मेलवेयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मेलवेयर एक सौम्य
बिगिनिंग सॉफ्टवेयर है। मेलेक्यूज सॉफ्टवेयर को मेलवेयर कहा जाता है। इस सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर या लैपटॉप में खराब भी कर सकता है, मतलब एक प्रकार का वायरस होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पहली नज़र में उपयोग सॉफ्टवेयर प्रतीत होता है कंप्यूटर में इंस्टॉल होने के बाद नुकसान पहुंचाता है? ट्रोजन। ये क्या करता है हमारे कंप्यूटर को, ये वायरस है ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन एक प्रोग्राम है। इसका इस्तेमाल हैकर किसी पासवर्ड को तोड़ने के लिए कर सकता है। दूसरे किसी वायरस की तुलना में ट्रोजन खुद की अनुलिपित नहीं करता, मतलब खुद की बार बार लिपियां नहीं बनाता। इसी मतलब फाइल के अंदर फाइल। इसी की मदद से हैकर कंप्यूटर का नियंत्रण दूर बैठे दूसरे कंप्यूटर से कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ता ज्ञान के बिना उसकी जानकारी एकत्रित करता है और उसके पीछे से किसी और को यह जानकारी संचारित करता है? स्पाईवेयर एक तरह का वायरस है जो आपके कंप्यूटर में चुपचाप रहते हुए आपके सीक्रेट डेटा पर नज़र रखता है। मतलब स्पाईवेयर क्या है, एक वायरस है जो कि चुपचाप आपके कंप्यूटर पे सीक्रेट डेटा पर नज़र रखता है और जरूरी सूचनाओं को निर्माता हैकर्स के पास भेज देता है, मतलब जो हैकर्स है उसके पास में भेज देता है। तीनों क्या है हमारे वायरस हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संदेश की एनकोडिंग प्रक्रिया है जिसका केवल अधिकृत पार्टियां ही उपयोग कर सकती हैं? इनक्रिप्शन संदेशों को एनकोडिंग प्रक्रिया है जिसका केवल अधिकृत पार्टियां ही उपयोग कर सकती हैं, कहलाता है इनक्रिप्शन। सेल निश्चित करने के लिए यानी कि संबंधित सेल के सतत रेफरेंस को रोकने के लिए कॉलम और रो की संख्या के पहले खाली स्थान टाइप करते हैं। मतलब निश्चित सेल में निश्चित करने यानी कि संबंधित सेल रेफरेंस को रोकने के लिए हम डॉलर साइन का उपयोग करते हैं। डॉलर साइन आप लगाओगे तो क्या होगा, आपका जो सेम वैल्यू है वो आपको प्रॉब्लम नहीं देगी, डायरेक्ट आपका कार्य होता रहेगा बिगर चेंज वैल्यू होते हैं। एक दस्तावेज के सभी सामग्री, वैसे पिछले वीडियो हम दोस्तों बना चुके हैं क्योंकि ये वीडियो बार बार रिपीट हो रहे हैं ये वर्ड। एक दस्तावेज के सभी सामग्री को चयनित करने के लिए Ctrl+A। दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा A से लेकर Z तक की पूरी शॉर्टकट की का उपयोग है। किससे क्या होता है, विज एग्जाम्पल के साथ में है, देन हिंदी भी है उसके अंदर और उनका यूज भी करना बताया है। A से लेकर Z तक यूज ऑफ शॉर्टकट की। स्लिप्ट अरेंज फिल्टर पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं, स्वयं तय गणना करने का कार्य करते हैं, फंक्शन कहलाते हैं। फंक्शन क्या होते हैं दोस्तों, मतलब अरेंज फिल्टर या स्लिप्ट का जो कार्य करते हैं पूर्व फॉर्मूले वो हमारे क्या कहलाते हैं, फंक्शन। फॉर्मूले पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वयं तय गणना करने का कार्य करते हैं। एक पृथक सीट मतलब एक स्पेयर सीट से सेल के आंकड़ों को प्राप्त करना खाली स्थान कहलाता है। रिफ्रेशिंग संदर्भ सूत्रों को अपनी सामग्री को गतिशील रूप से अपडेट करने की अनुमति देते हैं। देयर टाइप ऑफ सेल रेफरेंस रिलेटिव एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड, मतलब जो रिफ्रेशिंग होती है आप F9 प्रेस करेंगे तो कोई भी चीज अपडेट हो जाएगी उसके अंदर, तो उन अपडेटों को सेट करने के लिए स्पेयर सीट के अंदर हम रेफरेंसिंग का उपयोग करते हैं। MS Excel 2010 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है, तो एक्सटेंशन नेम है .xltx। ऑल एक्सटेंशन नेम इज ओल्ड वीडियो, मतलब हमने क्या करा है एक्सेल, इससे दो पुराना वीडियो है एक्सेल का, इसके अंदर सारे एक्सटेंशन नेम और डिफॉल्ट नेम हमने बताए रखे हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। खालिस्तान एक ऐसी फाइल है जो रेडी टू यूज रूप में एप्लीकेशन द्वारा प्रदान की जाती है। तो टेम्पलेट्स क्या होती है दोस्तों, बनी बनाई फाइल होती हैं जिनका उपयोग आप फाइल यूं ये रही जिनका उपयोग ये बनी बनाई फाइलें हैं दोस्तों, इनका आप रेडी टू यूज के रूप में मतलब बनी बनाई फाइलों के रूप में इसका उपयोग आप कर सकते हैं, टेम्पलेट कहलाती हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में एक अकेली फाइल वर्कबुक कहलाती है, मतलब यहाँ पर जो नाम आता है उसका वर्कबुक के नाम से
नाम आता है। फॉर्मूले में खालिस्तान द्वारा अलग किए गए सेल एड्रेस, जारी नॉन एक्सचेंज रेंज का वर्णन होता है कोमा से। कोमा क्या करता है दोस्तों, जैसे कि हमने कुछ सेल लिखी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा इफ ब्रैकेट स्टार्ट, मतलब यहाँ पर इक्वल लगाएंगे हम, इक्वल टू इफ शिफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट ए कोमा बी ग्रेटर देन सी, मतलब इस तरीके से फॉर्मूले हैं। हम पीछे एक्सेल के वीडियो चल रहे हैं, आप उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मतलब दो वैल्यू को जोड़ने के सेल एड्रेस के जरिए नॉन एक्सचेंज रेंज को वर्णन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इस कोमा का। खालिस्तान ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल का रेफरेंस को रोकने के लिए किस कैरेक्टर का प्रयोग करते हैं, डॉलर साइन का। दोस्तों डॉलर साइन का उपयोग हम शिफ्ट के साथ में एफ फोर प्रेस करिए, ये डॉलर जो साइन है दोस्तों इसका ऑटोमेटिक रिलेटेड इससे पीछे आया है। मतलब आप इसको सही तरीके से पेपर को पढ़ेंगे तो एक ही क्वेश्चन को दो दो अलग अलग तरीके से रिपीट करके वो हमको दिखाता है। दोस्तों इसका साइन लगा देंगे आप तो जो वैल्यू है वो दूसरे वैल्यू में चेंज नहीं देगी। खालिस्तान टेप सैंपल चेक जैसी प्रूफिंग टूल होता है रिव्यू, मतलब रिव्यू के अंदर क्या होता है दोस्तों, प्रूफिंग, ये तो वर्ड चल रहा है एक्सेल के अंदर है, प्रूफिंग टूल होता है तो उसके अंदर से आप ये जैसे ये रहा प्रूफिंग टूल है तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं। प्रूफिंग टूल किसके अंदर होता है, रिव्यू के अंदर। ये कम से कम 10 पेपर के अंदर मान लीजिए 5-6-7 के अंदर आ चुका है, बार बार ही रिपीट होता है। खालिस्तान दे डेटा का दृष्टिगत रिप्रेजेंटेशन है जो सूचनाओं को समझने के लिए आसान और आकर्षित तरीके से प्रतिपादित करता है। चार्ट का वीडियो भी हमने बना रखा है दोस्तों। जो दृष्टिगत रिप्रेजेंटेशन मतलब किसी चीज को प्रेजेंट करता है अलग तरीके से डेटा को आकर्षित बनाकर, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, चार्ट कहलाता है। एक्सेल में 11 प्रकार के चार्ट होते हैं। ये खालिस्तान अकाउंट के वही खाते समान है जो रो और कॉलम में रखा गया है, एमएस एक्सेल 2007, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। इसके अंदर डेटा अकाउंट वही खाते को समान रो और कॉलम में रखा जाता है। एक्सेल के औसत एक खालिस्तान फंक्शन कहलाता है और एक्सेल में औसत एक फंक्शन है। एमएस एक्सेल में डाटा किस में रखा जाता है, टेबल में। एमएस एक्सेल के अंदर डाटा कहां रखा जाता है दोस्तों, टेबल के अंदर। एक सेल की रेंज के द्वारा प्रदर्शित करते हैं A6 A8 एक सेल है जो कि इन डबल डॉट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर शीट क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है दोस्तों, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसके अंदर हम वही खाते, अकाउंट के वही खाते और फिर उसके बाद में औसतम, टेबल, फंक्शन का उपयोग हम करते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में किस टैब में प्रूफिंग ग्रुप होता है, तो रिव्यू पेन के अंदर दोस्तों प्रूफिंग टूल आता है। तो यहां पर ये दोस्तों समाप्त होता है, हम इसे 25 या 30 के वीडियो बनाने वाले हैं तो आप आसानी से इसको देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। दोस्तों हमारे आप ये हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल है अभिज्ञान AMC, इस तरीके से लोगो आता है, वहां से आप सारे कंप्यूटर के कोर्स, CPCT के वीडियो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में एक मोटिवेशनल चैनल और बनाया है जिसका नाम है अभिनंदन मोटिवेशनल, आप यहां से मोटिवेशनल वीडियो भी देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।